उदयपुर वाटी बेरोजगार युवाओं ने रिट 31,000 पदों की नई भर्ती की विज्ञप्ति जारी करने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। राजस्थान बेरोजगार महासंघ के बैनर तले बेरोजगार युवाओं ने रिट के 31,000 पदों की नई भर्ती की विज्ञप्ति जारी करने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम SDM को ज्ञापन दिया गया है। बेरोजगार युवाओं ने बताया कि पिछले साल 24 दिसंबर को युवाओं को आंदोलन के पश्चात विद्यालयों में शिक्षकों की कमी का हवाले देते हुए आंदोलन के दौरान तृतीय श्रेणी शिक्षकों की भर्ती निकालने तथा 2 अगस्त को भर्ती करवाने परीक्षा करवाने की आश्वासन के 8 माह बीत जाने के बावजूद भी अभी तक परीक्षा की विज्ञप्ति जारी नहीं की गई, जिसके चलते राज्य में 10 लाख से अधिक बेरोजगार युवा परेशान हो रहे हैं। विद्यालयों में शिक्षकों की कमी के चलते जल्द से जल्द रिट की 31,000 पदों की विज्ञप्ति जारी कर बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिया जाए, अन्यथा युवा सड़कों पर उतरकर मजबूरन फिर से आंदोलन करेंगे, जिसको लेकर युवाओं ने आज उदयपुर वाटी SDM को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया है। इस दौरान ज्ञापन देने वालों में रोशनलाल सैनी, विकास खिरोड़िया, सिंबुदयाल सैनी, मुकेश शर्मा, संजय व रोहिता सहित अनेक लोग मौजूद थे। रीट की भर्ती शीघ्र आयोजित करवाने के लिए ज्ञापन दिया गया। हम माननीय शिक्षा मंत्री जी से आवेदन करते हैं कि उन्होंने जल्द ही, पहले 2 अगस्त को, उसके बाद कोरोना के बाद 2 सितंबर को रीट आयोजित करवाने का वादा किया था, लेकिन लगातार वो युवाओं को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी रीट के संबंध में सारी प्रक्रिया स्पष्ट की जाए ताकि युवा भ्रमित न हो सके। धन्यवाद।